नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताड़ का बड़ा कैसे बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने इस बड़ा को बनाने के लिए एक पका हुआ ताड़ लिया है और इसका सारा पल्प निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से इसका ऊपर कैप होता है, इसको निकाल देंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका ऊपर का छिलका निकालेंगे। इस तरह से सारे छिलका को निकाल लेंगे। और छिलका निकालने के बाद सबसे मेन काम होता है इसमें का इसका पल्प निकालना। छिलका निकाल के मैंने तैयार कर दिया है। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कटोरी के करीब पानी और ताड़ को इसमें डुबा डुबा के इसका सारा पल्प निकालेंगे। इसका पल्प निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसी तरह से मसल मसल के इसका पल्प निकालना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए अलग अलग रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ। यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको मालूम नहीं है कि ये रेसिपी कैसे बनाते हैं वो भी इस रेसिपी को बना पाए। ये रेसिपी बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और सीजन में तो इसे बना करके ज़रूर खाना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका पल्प निकाल लिया है और इसी तरह से जो बाकी बचे हैं उनका भी पल्प थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके निकाल लूँगी। सारा पल्प निकाल कर मैंने तैयार कर दिया और ये देखिए कितना बढ़िया और गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकल के तैयार हुआ है। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और ये जो बचा हुआ है इसको भी फेंकेंगे नहीं, इसको रख देंगे। ये अब बच्चों का काम है, सूखने के बाद इसको भी वो लोग तोड़ करके खा जाएंगे। पल्प को एक बार छान लेते हैं ताकि इसमें का एक आध रेशा जो बचा हुआ है, चाहे जो गलती से चला गया है, वो भी निकल जाएगा। और इस तरह से इसको छानने के बाद ये देखिए, जो थोड़ा बहुत रेशा है ये निकल जाएगा, नहीं तो ये मुंह में जाने के बाद, रेसिपी बनने के बाद ये बहुत ख़राब लगता है। अब ये एकदम से रेडी है बनाने के लिए। इसको साइड में रख लेते हैं और ये देखिए एकदम से गाढ़ा और हल्का सा मीठा ताड़ का पल्प तैयार है रेसिपी को बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर मिक्सिंग जार लिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब चावल। इस चावल को मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था और ये हाथ से तोड़ने से इस तरह से आराम से टूट रहा है, और इसको पंखे की हवा में मैंने सुखा दिया था। 10 से 12 बादाम का भिगो करके मैंने छिलका निकाल दिया है उसका, उसको भी इसमें डाल दिया। अच्छा बारीक कच्चा नारियल लिया है, 3 से 4 इलायची लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 8 से 10 सफ़ेद मिर्च लिया है, आधा कटोरी डालेंगे इसमें शक्कर, शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा कटोरी डालेंगे इसमें दूध और इसको पीस करके एकदम पतला बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। पीस लेते हैं इसको और ये देखिए दोस्तों, एकदम स्मूथ बैटर बना करके मैंने तैयार कर दिया। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। इसी तरह का बैटर चाहिए हमको इस बड़ा को बनाने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा। जो बैटर मैंने पीस करके तैयार किया था उसको भी डाल देंगे इसमें, और जो मैंने ताड़ का पल्प निकाल करके रखा था उसको 2 करछी डालेंगे और डाल करके इस तरह से मिला लेंगे। बैटर अभी बहुत गाढ़ा लग रहा है तो बचा हुआ मिल्क भी इसमें डाल देंगे। सारे मिल्क को मैंने डाल दिया जो पीस करके रखा था। अभी भी ये बहुत गाढ़ा लग रहा है तो 2 चम्मच इसमें और डालेंगे ताड़ का पल्प।
और इसको डाल करके मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि जैसा हमको बड़ा बनाना है वैसा ही बैटर तैयार हो जाए। यदि हम एक साथ में सारा डाल देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। और ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा बैटर हमको चाहिए इसको बनाने के लिए। अब बस रेडी हो गया है। इसके बाद डालेंगे कच्चा नारियल को, मैंने ग्रेट करके रखा था, इसमें डाल करके इस तरह से मिला देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बनने के बाद। सबसे आखिरी में डालेंगे इसमें फ्रूट साल्ट, तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है इनो, और इसको मिला लेंगे। ये तभी डालें जब इसको बनाना है। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसको डालने के बाद बैटर एकदम से हल्का हो गया और बनने के लिए ये तैयार हो गया है। ये देखिए, इसी तरह का बैटर बनाना है हमको। कढ़ाही में तेल गरम हो गया है और छोटे छोटे पीस कढ़ाही में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को इस समय में मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद इसको दूसरी तरफ से भी पलट के पका लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको पकाना पड़ेगा। फ्लेम को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं इसे, नहीं तो बड़ा ऊपर से जल जाएगा और नीचे का कच्चा रह जाएगा तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से इसको पलट देते हैं। और ये देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, बड़ा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से बिल्कुल नई और आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को भी आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी रेसिपी का अपडेट आपको मिल सके। और ये देखिए दोस्तों, बड़ा में सुंदर सा गोल्डन कलर आ गया है और बड़ा बनके एकदम से तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कलर कितना सुंदर आया है इसका। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका ताड़ का बड़ा कैसे बनके तैयार हुआ। गर्मा गर्म बड़े को आप आलू की सब्जी के साथ, नहीं तो आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। अभी तक मेरा रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।